नमो नुवे सौहरियंताणम नमो नुवे सौसिदानम नमो नुवे सौभागिरियाणम नमो नुवे सौजायानम नमो नुवे सौत्रिकावती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जायंती योगिन कामदं मोक्षदं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्र मंगल नमः समय सारा स्वानुभूत्याचास्ती स्वाय भवाय विभाव निधाता अनुसार शुद्ध भाव दिखा करते हैं इसका सातवां कलश हिंदी में है हिंदी व्रजति न विकल्पम संस्कृति घोर रूपम अतुलम अनघ आत्मा निर्विकल्प समाधि पर पर्ण तिलुरम याति चिन मात्र क्या कहते हैं देखो सतत रूप से अखंड ज्ञान की सद्भावना वाला आत्मा क्या कहते हैं निरंतर सतत रूप निरंतर अखंड आत्मद्रव्य जो है अखंड न्यायिक भाव दूर भाव जो यहां शुद्ध भाव कहते हैं वो अखंड जो नित्य ध्रुव ऐसा आत्मा अथवा ऐसा ज्ञान की ज्ञान की ज्ञान कहते हैं आत्मा ही है सतत रूप से निरंतर अखंड आत्मा की सद्भावना वाला आत्मा ऐसा आत्मा की सद्भावना वाला सद्भावना मोक्ष मार्ग क्या कहते समझ में आया द्रव्य कैसा है सतत अखंड निर्मल न्याय स्वरूप शुद्ध ध्रुव जिसमें कर्म राग आदि का प्रवेश नहीं ऐसी जो ध्रुव धारा ऐसी चीज में सद्भावना वाला साची एकाग्रता वाला नया अनुसार है ना मोक्ष मार्ग तो सद्भावना वाला वो मोक्ष मार्ग की पर्याय त्रिकाली ध्रुव पर लक्ष्य करने से उसका आश्रय करने से ये आश्रय कहकर एकाग्रता करने से जो पर्याय प्रकट होती है उसको सद्भावना वाला ऐसी निर्मल पर्याय वाला आत्मा उसको ये आत्मा कहते हैं आया रेवानी बात कह दिया जगत में व्यवहार है ही नहीं अंदर में वस्तु में है नहीं गुण में है नहीं और उसकी सद्भावना में भी व्यवहार है नहीं सूक्ष्म विषय है आपको कुछ समझ में आया को शुद्ध भाव अशुद्ध भाव अधिकार चलते है ना कोई है ही नहीं वो ध्रुव स्वरूप है उसमें तो उम्मीद भी नहीं राग भी नहीं और एक समय की पर्याय से भी ध्रुव ध्रुव दूर है ये ध्रुव जो है उसकी भावना करने वाला आत्मा ऐसे कहते हैं अनुसार है ना तो एकदम अध्यात्म व्यवहार करना कहते हैं ना हमारे शुभ भाव तो जहर है तो आत्मा में है ही नहीं मोक्ष मार्ग की परिद्रव्य में गुण में तो है नहीं पर उसकी भावना जो सद्भावना शब्द पड़ा है ना सद्भावना उपर्याय है ध्रुव चैतन्य द्रव्य विनायक भाव वो तरफ की
ज्ञान में लेकर उसको ध्येय बनाकर जो पर्याय उत्पन्न हुई, सद्भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सद्भावना, इस स्वरूप में सन्मुख होकर जो भावना हुई, ऐसा सद्भावना वाला आत्मा अर्थात मोक्ष मार्गी एम कहते हैं। काम करवू से करवू से कई करवू से अ करवू नहीं अ करवू से करवू नहीं ठरवू से अंदर ठरे से ठरवारू कई कर्तव्य क्यों ये कर्तव्य करूं तो एमें नहीं कारण के जहां दृढ़ वस्तु है वो जो ध्येय में आया तो उसकी परिणति परिणति वो समय होगी, वो परिणति उस तरफ सन्मुख ही होती है। सूक्ष्म बात है ना, ये कहते हैं सद्भावना शब्द पढ़ाया ना, जो ध्रुव चैतन है न्यायिक भाव सच्चिदानंद प्रभु कारण परमात्मा ध्रुव उसकी सद्भावना वाला, तो उस समय की पर्याय वो ही सत है। पर सन्मुख हुआ तो वो पर्याय उत्पन्न हुई ऐसे कहने में आता, बाकी है तो उस समय की वो ही पर्याय। समझ में आया, भगवान आत्मा सतत रूप से अखंड ज्ञान की सद्भावना वाला, ये अखंड वस्तु कहो के सतत अखंड रहे कहो, अथवा अखंड द्रव्य की सतत रूप से सद्भावना वाला आत्मा, भगवान द्रव्य वस्तु महाभंडार अनंत अनंत सिद्ध स्वभावी भंडार भगवान, ऐसा भगवान आत्मा अपना निज परमात्मा उसको यहाँ अखंड ज्ञान कहने में आया है। समझ में आया, उसमें खंड नहीं, ऐसा जो अखंड भगवान आत्मा उसमें सतत रूप से सद्भावना वाला निरंतर वो सम्मुख होकर सद पर्याय सच्ची पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो सम्मुख होते हैं जो प्रकट हुई, ऐसा सद्भावना वाला आत्मा, भावना शब्द एकाग्रता है, भावना शब्द भावना करते हैं कल्पना करते हैं ऐसी नहीं, आ भावना तो अंदर एकाग्र वो भावना कहते हैं, कितना भावना करते हैं ऐसा करते हैं, कहा था ना वो श्रावक को संकीर्ति जी है तो उसको सामायिक काल में शुद्ध उपयोग की भावना होती है, तो भावना का अर्थ शुद्ध उपयोगी भावना है, तो कोई कहे कि भावना होती है समझे, ऐसा अर्थ करते हैं और रतन चंदिया दिया है, भावना इतनी कल्पना होती है मेरे ऐसा हो ऐसे हो, हुआ ही नहीं है, हुआ नहीं है, भावना करते हैं ऐसे नहीं, ये अंदर स्वरूप चैतन्य मूर्ति उसमें शुद्ध उपयोग जम जाए उसको ये भावना कहते हैं। हाँ, एकाग्रता को भाव, शुभ शुभ विकल्प जो राग है, सूक्ष्म बात है, भगवान अंतर का मार्ग कोई अलौकिक है न, महाभगवान निरंतर अखंड वस्तु पड़ी है, प्रत्यक्ष पड़ी है, प्रकट रूप तत्व है, वस्तु वस्तु तरीके प्रकट ध्रुव है ना, उसकी सद्भावना वाला, उसकी सद्भावना जो वो विकल्प है व्यवहार मोक्ष मार्ग का, वो निषेध करने को नागर आई अभ्यस में सत सद्भावना वाला कहा, उस चैतन में ध्रुव तरफ की एकाग्रता होकर जो भावना इतनी पर्याय निर्मल हुई, ऐसा निर्मल पर्याय वाला आत्मा समझ नहीं, सारे हिंदी तो सहलू से भाव बहुत गुड से समझ में आया, कैसे भगवान जेमा निधि खाण से अनंत आनंद ने निष्क्रिय खाण
ऐसा जो भगवान निज स्वभाव उसकी सद्भावना उसकी अंतर में एकाग्रता वाला आत्मा, उसमें एकाग्रता वाला आत्मा, समझ में आया? अर्थात मैं अखंड ज्ञान हूं युको, है ना? ऐसी सच्ची भावना जिसे निरंतर वर्ती है, भावनाओं पर सतत शब्द है, मैं अखंड ज्ञान हूं ऐसी सच्ची, बोला सत शब्द पर आए ना, तो सच्ची भावना जिसे सतत नाम निरंतर वर्ती है, भगवान ध्रुव स्वरूप वो सन्मुख दृष्टि निरंतर वर्ती है, हम कहते हैं धर्मी जीव की तो शुद्ध ध्रुव तरफ की निरंतर प्रणति वर्ती है, समझ में आया? अर्थात मैं अखंड अभेद चीज हूं, वो तरफ की सच्ची पर्याय जिसे निरंतर एकाग्रता वर्ती है आत्मा, संसार के घोर विकल्प को नहीं पाता। देखो ये पुण्य दयादान व्रत का शुभ उपयोग इस संसार नो घोर विकल्प है, हम कहते हैं ऐसे क्या है? हाँ, घोर विकल्प का अर्थ संसार नो घोर विकल्प शुभ भाव है, वो नहीं पाता, शुभ भाव को प्राप्त होता नहीं, समझ में आया? असद भावना सामने है ना, ध्रुव चैतन्य अखंड वस्तु परमात्मा निज स्वरूप उसकी सच्ची भावना वाला वो आत्मा संसार के घोर सतत भावना को प्राप्त होता है, तो शुभ विकल्प घोर संसार का कारण है उसको प्राप्त होता नहीं। पंच महावर्तना परिणाम ने, बारवर्तना परिणाम ने, ग्यारह परिमाना विकल्प ना परिणाम ने, दान ना परिणाम ने घोर संसार है, हम कहते हैं। चार गति जेमाथी उत्पन्न थाय छे प्रसिद्धामां, संसार के घोर विकल्प को आकरा भाव को विकल्प को नहीं पाता, क्योंकि शुद्ध द्रव्य स्वभाव की एकाग्रता में शुद्ध भाव का लक्ष्य है, शुद्ध भाव की एकाग्रता में शुद्ध पर्याय रूप भावना होती है, सच्ची भावना शुद्ध पर्याय, उसको घोर विकल्प संसार है, ऐसे शुद्ध को पाप प्राप्त होता है या शुद्ध को प्राप्त होता नहीं, हम कहते हैं बाहर नहीं आ क्रिया कांड वाला ने तो यूं लागे आका तो आ मारक के लिको भगवान कह लो इसे आ क्या किसका कह कहा हुआ है, भगवान ने कहा देखो क्या है श्लोक कुंकुंडाचा का है, उसका अर्थ पद्म मोगधारी देव मुनि हता महाव्रत धारी व्यवहार के नाम आता है ना, है नीचे महाव्रतधारी होता अपना स्वरूप में ठहरने, अहिंसा स्वभाव में ठहरते थे, सच भाव में ठहरते थे, चोर बिना की स्वरूप की स्थिरता में ठहरते थे, ब्रह्म नाम आनंद में ठहरते न अपरिग्रह भाव अपना निर्मम स्वभाव में ठहरते है, ये महाव्रत है। अच्छे मूल विकल्प तो आ गए उसको पाते नहीं, हम कहे अस्थि नास्ती किया उसका अर्थ करते रहे, किंतु निर्विकल समाधि को प्राप्त करता हुआ जो सद्भावना कहते हैं ना, सच्ची एकाग्रता वस्तु तरफ की जो एकाग्रता वही निर्विकल समाधि को प्राप्त करता, राग बिना की
वस्तु निर्विकल्प अभेद है, उसकी पर्याय भी निर्विकल्प वितरागी पर्याय ऐसी शांति, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प शांति, अकषाय पर्याय की शांति उसको प्राप्त करता हुआ प्राप्त करता हुआ पर परंतु से दूर घोर विकल्प कहा था विकल्प राग वो पर परंतु है विकारी गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प राग पंच महावर्तादि का राग कहते हैं कि उससे दूर पर परंतु से दूर पहले आया था कि आत्मा पर्याय से दूर आ निर्मल पर्याय में पर परंतु से दूर पर्याय नहीं बात चलती है आया आई मुठन पहले कहीं कोर्स में पहले कोर्स में आया था 38 महीने आरती में पढ़ सको ना 54 सरत तत्व में जो सार है जो समस्त नष्ट होने योग भावों से दूर है 54 में होता कलश सृष्टि का पक्ष कलश सरत तत्व में जो सार है पहलो कलश 54 में कलश सर्व नष्ट होने योग भावों से दूर है पहलो कलश नहीं पहलो कलश है 54 में यहां दूर से पर्याय थी दूर से पर्याय नाशवान से ध्रुव भगवान आत्मा अविनाशी यहां दूर से पर्याय थी दूर से दृढ़ ध्रुव थिकाली वस्तु आई जी दूर कहा उन निर्मल स्वभाव ध्रुव उसका एकाग्र होने से अशुद्ध परिणति रूप विकार व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प उससे दूर है समझ में आया पंडित जी जैसा शुद्ध ध्रुव चैतन है ऐसी शुद्ध परिणति अंदर एकाग्र होकर वर्ती है वो आश्रव का विकल्प से दूर है अरे खर तो विकल्प को छूते ही नहीं धर्मी एम कहते हैं दूर दूर कहा नहीं ये व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प को शुभ उपयोग को धर्मी छूता ही नहीं द्रव्य में छूता नहीं तो द्रव्य दृष्टि हुई तो विकार को भी छूते ही नहीं आया ऐसा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव अरे कोई के पड़ी सम्यक दर्शन प्रकट कैसे हो वही तो बात चलती है साथ में सारा प्रभु निज स्वभाव भाव परमात्मा ध्रुव उसको ध्येय बनाकर निर्विकल्प निर्णय हो उसका वो वस्तु निर्विकल्प अभेद है ऐसा ही पर्याय में निर्विकल्प निर्णय हो उसका नाम सम्यक दर्शन है समझ में आया ऐसा धर्मी अपना दृढ़ स्वभाव सन्मुख की एकाग्रता के कारण शांति को प्राप्त करता हुआ जैसा स्वभाव एकीला अकसाय स्वभाव है ध्रुव शांत स्वभाव है ऐसा पर्याय में ध्रुव तरव की एकाग्रता से शांति को प्राप्त करता हुआ जी चिट्ठी जी हाँ हरी मार के भाई
એને કોઈ દી સાંભળ્યો ન હોય, સમજ્યો ને, એને એવું લાગે આજે શું થશે, કઈક કરવાનું, કઈક દયા પાડો, વ્રત પાડો, આ કરો. એ તે કે કરના ઓ મરના હે, કરું 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 એસા કરતે બુદ્ધિ તો હોય, એસા કરતા પણ આ દ્રવ્ય સ્વભાવ મેં હે નહીં. દ્રવ્ય રાખો કરે દ્રવ્ય મેં નહીં, ખરેખર તો પર્યાય કો કરે દ્રવ્ય નહીં, નિર્મળ પર્યાય કો પર્યાય કરે દ્રવ્ય નહીં. આયા કેવો કે દ્રવ્ય હે કુટસ્થ ધ્રુવ હે, और पर्यायी समय की अवस्था है, तो खरेखर पर्यायी करता कर्म करण छो सटकार ग्लो मैं लगा दिया बोलो आवे से ना बात में गाथा विकारी एक समय की पर्याय अपने से करता अपना कर्म अपना साधन संप्रदान अपादन अधिकार ऐसे निर्मल पर्याय जो है वो भी करता कर्म करण साधन और पर्याय में अपने से बड़ा है. विकार का एक अंश में राग करते हैं कि द्वेष के मिथ्या, तो भगवान कहते हैं कि एक समय की पर्याय में षटकार से वो काम होता है, पर से नहीं. विकार पर्याय भी अपने से कर्ता पर्याय होकर वही पर्याय में कर्म होकर और पर्याय में राग का साधन होकर वही पर्याय में से पर्याय प्रकट होती है, प्रकट नाम वो पर्याय है वही हम, और उसमें से निकली अथवा संपदा रखी वो पर्याय के आधार से पर्याय हुई. आया विकारी हो, विकारी पर्याय का एक समय का एक विकार का पर्याय में षटकारक से पर्याय होती है, द्रव्य गुण से नहीं, कर्म से नहीं, पुरुष से नहीं, पति की पर्याय से नहीं, पुरुष की पर्याय से नहीं. तत है न, तत तो हेतु कहा, कहते हैं कि यहां निर्मल पर्ण थी वितराग भगवान ध्रुव स्वरूप अपना निज वो तरफ की एकाग्रता हुई तो ये स्वतंत्र पर्याय उत्पन्न हुई, और उसमें परपरणति का तो दूरपणा है. आहा, बात करेगा पद्मी संत मुनि है वो आचार्य, कितना के मुनि थे नहीं आचार्य मानो, बड़ा मुनि से परमाज्ञम करे थे जो तो हमारा समझ में आया. पर परणति से पर परणति नाम विकल्प राग व्यवहार दया दान भक्ति आदि का उससे तो धर्मी दूर वर्ते हैं, और अनुपम अनग चिन्ह मात्र को प्राप्त होता है. उपमा विज्ञानी अनग चीज दोष रहित निष्पाप मल रहित, अनग नाम पुण्य पाप से रहित ऐसे चिन्ह मात्र भगवान ज्ञान स्वरूप प्रभु, ज्ञान की अनादि अनंत असाधारण स्वभाव जो है ऐसी चिन्ह मात्र को प्राप्त होता है. तो चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र आत्मा को प्राप्त होता है, लो पाछो चिन्ह मात्र वस्तु ध्रुव उसको प्राप्त होता है. अरे यार भाई आया ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा ओ तरफ का दृष्टि हुई, ओ तरफ की भावना नाम एकाग्रता हुई तो कहते हैं कि चैतन्य मात्र आत्मा को प्राप्त होता है, कि ध्रुव स्वभाव को प्राप्त होता है. व्यवहार रत्नत्र राग आदि को प्राप्त होता नहीं, उसका नाम संचित ने धर्मी कहने में. दूसरा श्लोक
63 है ना, इथम बुद्धोपदेशम जनन मृतिहरम यम जरा नाश हेतु भक्ति प्रणम अमरेन्द्र प्रकट मुकुट रत्नमालार्चितांदे विहातीर्थाधिनाथ अदभो नाथ अदुरीतमघम कुलध्वंस विध्वंस दक्षम एते संतो भवादे अपरकट मन जानती सतशील पोता। हाँ हाँ भक्ति से नमीत देवेंद्र मुकुट की सुंदर रत्नमाला का द्वारा और बहु नीचे कहे ना इतनी तेरी भक्ति पाजी लीजिए थोड़ी से कैसा तो बोलो ऐसे भक्ति से नमित देवेंद्र मोटा इंद्रो शक्रेन्द्र ईशान इंद्र एवाजी इंद्रो देवेंद्र मुगुट की सुंदर रत्न माला एनु मुगट अने एनी सुंदर रत्न मणि रत्न माला द्वारा जिनके चरणों को प्रकट रूप से पूजते हैं परमात्मा को ऐसा देवेंद्र अर्धलोकना स्वामी ईशानेन्द्र अने शक्रेन्द्र जेना मणिरत्न माला द्वारा नमनीभूत नमित एम छे ने भक्ति सा नमित जिनके चरणों को प्रकट रूप से पूछते हैं नजीक आई ने पूछते हैं दूर तो नहीं पर भगवान पास आई ने पूछते हैं ऐसे महावीर तीर्थाधिनाथ द्वारा ऐसे महावीर तीर्थाधिनाथ द्वारा यह संत जन्म जरा मृत्यु का नाशक दुष्पाप समूपी अंधकार का ध्वंस करने में चतुर ऐसा इस प्रकार का उपदेश समझ कर देखो संत आवा उपदेश भगवान नो आवा उपदेश मिलो तो एम कहते ऐसा मिला है भगवान से उपदेश ऐसा मिला संत को। संत जन्म जरा मृत्यु का नाशक जन्म हो मृत्यु हो और जरा नाशक दुष्पाप समूह रूपी अंधकार एक दुष्ट समूह समय पाप सब दे पुण्य पाप दे शुभ ने अशुभ दे दुष्ट पाप समूह रूपी अंधकार है ये ध्वंस करने में चतुर ऐसा इस प्रकार उपदेश देखो भगवान का उपदेश ऐसा था जैसा था ऐसा संतो एक अनुभव में ले लिया एम कहते हैं भगवान का उपदेश ऐसा था एम सिद्ध करते हैं। परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर का समोसरण में ऐसा उपदेश था जो भगवान को इंद्रो आवी ने नमते हैं उसका उपदेश था कि पुण्य ने पाप जो अघ नाम पाप है पाप समो दुष्ट अंधकार है उन पाप में चैतन का अंश है नहीं ऐसे ध्वंस करने में चतुर ऐसा इस प्रकार का उपदेश समझकर संतो ये ऐसा उपदेश समझा एम कहते भगवान ऐसा दिया था संतो ऐसा आई कोई कह भाई आम आर ऐसा कहते हैं कोई कौन कहते हैं कि कहते हैं भगवान मारी समझ में आया महावीर ना उपदेश एम कहते हैं कि कोई कि किसका उपदेश ऐसा है आता है ऐसा उपदेश किसका है कि जेने इंद्रो अर्धलोकना स्वामी एक अवतारी एक भवतारी जीव आवी ने मणिरत्न ना मुगट एना मणिरत्न नी मालाओं मणि माला है ना अंदर ऊंची एक अब्जो नी किमत नी गंतरी माला लटित भाई से एवा वीरनाथ जेने आवा इंद्रो पूजे छे जेना चरण कमाओ एवा वीरनाथ छेल्ला महावीर परमात्मा उसका ये उपदेश है ये उपदेश संतो ही सुन लिया समझ में आया तो
साधु संत नाम साधु मुनि मुच्छिपण मुनि कहना है मुनि से ने मुनि पोते केनार उपदेश करना कौन कुंडाचार मुनि है ने आ भी टीका करना मुनि मुनि हुई भगवान पास है थे ऐसा उपदेश मैंने दूर रहा मैंने कहा था ने पांचवी का समाया समय था परम अपर गुरु हमारा सिद्धा गुरु और परंपरा का भगवान ये सब गुरु विज्ञान घन में स्थिर था संतो साधुओं के केवल विज्ञान घन में स्थिर था उसने हमारा ऊपर कृपा करके ऐसा उपदेश दिया वो बात लिया है जने इधर ही बात ही नहमत किया बीजे मम कुछ समझे हमने तो परमात्मा कुनकुंडाचार कहते हैं अपने हिसाब से हिंदी निर्मल जुओ केवो भगवान आत्मा अमारो वैभव मने प्रगट होई कुनकुंडाचार वैभव अमारो आत्मा आनंद नो प्रगट होई ओ वैभव आ धूल नो वैभव नहीं एम कहते हैं निज वैभव अंदर आनंद ज्ञान शांति जो प्रगट हुई कैसे प्रकट हुई कैसे हैं आया निर्मल विज्ञान घन जी आत्मा हमने उपदेश मिलो थे कैसाया कुनकुंडाचार कहते हैं निर्मल विज्ञान घन जी आत्मा तेना अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव अपर गुरु गणधरादि थी माडी हमारा गुरु सब विज्ञान घन में लीन था देखो निर्मल विज्ञान घन जी आत्मा तेना अंतम निमग्न देखो साधु है हमारा गुरु भी ऐसा था और त्याथी मानी ने परमात्मा तीर्थंकर भी ऐसा ही था उसमें फेर नहीं मानते उसने सर्वज्ञ देव ने अपर गुरु गणधर आदि थी मांडी ने हमारा गुरु पर्यंत तेमनाथी प्रसाद रूपे अपायेल तेमनाथी प्रसाद मेहरबानी थी अपायेल शुद्धात्म तत्व नो अनुग्रह पूर्वक तेनाथी अमारो जन्म है अमारू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आवा भगवान ना उपदेश थी मळेलो एमांथी उत्पन्न थयो निमित्त की कथन करे एम से पूता जी पण निमित्त कोण हता एम ज्ञान करावे छे समझनाया अपर अपना गुरु और पर सबको ही अंतर्मग्न विज्ञान घन में लिया है पंचमार्ग का पालने वाला के ऐसा ठैसा ऐसा लिया नहीं वो तो विज्ञान घन भगवान चैतन्य शांत रस का बर्फ का पिंड उसमें लीन था सर्वज्ञ में लीन था न हमारा गुरु सब और गंधरा की माडी ने गुरु सब उसमें नहीं उसने हमारा ऊपर कृपा करके उपदेश दिया समझ में आया वो क्या कहते देखो गणधरा जी की मानी हमारा गुरु तेमनाथी प्रसाद रूप पाए मेहरबानी थी आपे शुद्धात्म तत्व नो अनुग्रह पूर्व उपदेश तेनाथी अमारो आ चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नो वैभव એમાં ઉત્પન્ન થયો અમારાથી પણ એમાં નિમિત્ત આ હતા એમ જ્ઞાન કરાયું જ્ઞાન કરાયા સમય સાથ એક એક શ્લોક મેં બહુ ભર દીયા એ અહીં આચાર્ય કહેતે લોક મુનિ કે અમારા અમે સંત કને મિલા હૈ કેસા ઉપદેશ કે
जन्म जरा मृत्यु चार गति ना नाश वालो अने दुष्पाप समूनी अंधकार नो ध्वंस करवा वालो। देखो है ऐसा इस प्रकार का उपरोक्त उपदेश समझकर भगवान ऐसा उपदेश दिया और संतों ये हमें इस प्रकार का समझ दिया। महावीर तो बहुत दूर था, यहाँ कहा ने कुन कुंदाचार्य हमें सर्वज्ञ देव से मानी हमारा गुरु सर्वे अमन को उपदेश दिया है। हाँ समझ में आया, ऐसे आदि के तो हमके वीरनाथ है, हमको ऐसा उपदेश दिया है। हमारा गुरु थी सर्वज्ञ परमात्मा थे, सब वीरनाथ है हमारा तो ऐसा उपदेश हमको। आ उपदेश कोई पाप का नाश करने वाला, जन्म मरण का नाश करने, आत्मा की शांति का उत्पन्न करने वाला भगवान का उपदेश है। कोई के का व्यवहार में नाश करते हैं, ये भगवान का उपदेश ऐसा है। समझ में आया, पद्मधारी कहते हैं कि हमारा दुष्पाप समरूपी अंधकार एनो ध्वंस करना मा चतुर इस प्रकार का उपदेश समझ कर। समझा कैसे उपदेश ऐसा मिला, भगवान की वाणी में ऐसा आया। सत्सिल रूपी नौका द्वारा सत्सिल रूपी नौका साचा ब्रह्मचर आनंद आदि की परिणति रूपी नौका द्वारा भवाब्धि ने भवाब्धि के सामने किनारे पहुंच जाते हैं। संसार नो किनारो छेड़ो समझे, क्या पहुंच जाते हैं। भगवान का उपदेश ऐसा मिला हमको, संत कहते हैं कि हमको ऐसा परमात्मा का मिला कि जो जन्म मरण का अनुनाश करने वाला है, दुष्पुण पाप का समूह को नाश करने वाला है, ऐसा चतुर सत्य उपदेश हमको मिला तो वो द्वारा हम हमारा स्वरूप का आश्रय करके सत नौका नौका सत्य है न सत्य 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 दरिया ने किनारे आ जाती है। हमारी शुद्ध प्रणति पर तरते करते 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 संसार का किनारा पहुंच जाएगा, मोक्ष का किनारा शुरू हो जाएगा। मोक्ष की दशा प्राप्त होगी और संसार का अंत आएगा। अपना हम आ कारण है हम कहते हैं ऐसा उपदेश मिला ना, ये उपदेश में ऐसा मिला था कि तेरा ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा उतर्ब की दृष्टि कर, ज्ञान में रमणता कर, ओम द्वारा पुण्य पाप का नाश होगा, चार गति का जन्म मरण का जरा का नाश होगा। आया ओहो सतशील रूपी नौका हमारा भगवान आत्मा सत ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा उसकी परि एकाग्र होकर सतशील रूपी नौका प्रकट किया नावा। आया सितंबर में कहा थे बात खोटी थी, कहा थे अति मुक्त कुमार थे जैसे ने नावड़ी तरावता भाई आके नावड़ी तो आ मेरी से बोले ऊंधुन दी दूंगी भगवती सुख माए अति मुक्त कुमार थे नानी बनना राजकुमार यानी दीक्षा ले ली थी साधु हरे भिक्षा बाहर जंगल गया जंगल साधु हरे बाहर जंगल गई जंगल में पीछे फरे का बरसात आया बहुत बरसात आया पानी चलता था पानी तो बालक था रहे हैं बैठ गई भूल गया कि हमारे साधु न हो बैठ कर उस पाल बांध दिया जा रहा होता ना क्या पंकज पंख पंख गादो गादो बांध पानी इकट्ठा हो गया तो पात्र हाथ में थे वो तो पात्र मानते थे ना साधु पात्र थे तो पात्र न क्या उसमें नाव तरे रे मोरी नाव तरे एम मुनिवर जल सुं खेल करे ए मुनि करम नाए रे चाला ए आवे समझ हम जी नहीं
सानू क्वेश्चन जन्म है कि नहीं तुम्हारा? ऐसी गया वो एक बार रखियो पानी ना मुझे पात्र पात्र होगा वो ही नहीं मुनि ने पर ऐसा बनाया ने तो सिद्ध कर दिया बस बात आत्मा के रखना नाव करे तरे रे मोरी नाव तरे एम मुनि वर जल सूखे न करे मोनी करम नाई रे काला मुनिवर दोये नाना लिया रे बाला ये नहीं गत माप नमना तुम भगवान है बे मुझे मुनिवर दोये नाना लिया रे बा अब तो वहाँ चलो खूब न त्यां राज्य में साल आवे सर साल जाया चार चौक में जाते थे उसमें है राज्य सुन की दुई सजाय माला इमें आवे सब बोलो जानू काई दुकान पर वात खोटी हो मुनि ने वस्त्र हो पात्र हो पानी में पानी लगाड़े एम कर मुनि ने गत सुख में पूछवा आया पाचा भगवान पास अरे साधु अं करे साधु खसी गया भगवान पास मारा अति मुक्त कुमार तो आम करे थे महाराज ने के भर मुख जाए अरे आ भवे मोक जाशे अरे सेवा करो हवे आओ सेवा मोटा रहे इन कथा ना की मूल सूत्र माओ भगवान ने कही दी अंदर एम भगत भगवान कैसे कह रहे संतो ये आ भवे मोक जनारा छे माते एनी हिलना करशो नहीं हिलना नहीं करना तुम्हारे उसकी सेवा पर आवा करे ने सेवा साधु ये है ही नहीं साधु जल में कीड़ा करे हम के बालक था ना कीड़ा करे आए कहते कि पंडित है तो आत्मा की नौका में कीड़ा करते है समझ में आया देखो सत्संग रूपी नौका आत्मा करे रे मेरो आत्मा करे भव सागर की निकली मोक्ष में जाए मोक्ष में जाते हैं ऐसा कहते हैं देखो जन्म जरा मरण का नाश करने वाला दुष्ट पुण्य पाप का सोम भी अंधकार ना ध्वंस करने में चतुर ऐसा जो उपदेश सत्य रूपी नौका द्वारा भवाब्धि भवरूपी दरियो समुद्र सामने किनारे पहुंच जाता है संसार का अंत अंतर का ध्रुव स्वरूप की एकाग्रता की परिणति द्वारा संसार का अंत होता दूसरा से संसार का अंत होता नहीं समझ में आया तो मैं तारीख हुई सैतालीस कैसा है आत्मा और शुद्ध भाव निनंडो निदंडो निमंबो निकल्लो निरालंबो निरागो निदोषो निमुंडो निभयो अप्पा अप्पा आत्मा ऐसा है जो अखुन कुंदाचार की गाथा या यानी भगवान का उपदेश चला या उससे आपका उपदेश है नीचे हरि गीत निर्दंड यरु निर्दंड निर्मम नि शरीर निराग हे निर्मुंड निर्भय निरवलंबन आत्मा निर्दोष है एक अर्थ की रश्मि क्या निर्दन से न बगुल क्या है वो अनग है वो तो बिजली चुनाई है अनग रहा अनग चिन्ह मात्र दोष रही निष्पाप मल रही पहलो पहला प्रश्न निर्दंड बीजा मारी दंड रहित जिस मन वचन का आश्रित प्रवर्तन से आत्मा आचन परिक्रमामी टीवी हिंग दंडे हिंग परिक्रमा कहते हैं ये आई कहते हैं देखो टीका लो
आ गाथा में वास्तव में शुद्धात्मा को समास विभाव का अभाव ऐसा कहा है। भगवान आत्मा में कोई प्रकार का विभाव है नहीं, इसको आत्मा कहते हैं। है विभाव ही अनात्मा है, जड़ है, आत्मा नहीं। आ गाथा में वास्तव में शुद्ध आत्मा को अध्रुव है ना माथे शुद्ध भाव पर, इस शुद्ध भाव को अथवा शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का भाव ऐसा कहा है। मन दंड वचन दंड काय दंड के योग द्रव्य कर्मो अने भाव कर्मों का अभाव आत्मा निर्दंड है। ये आत्मा में मन वचन ने काया दंड ही है नहीं कि जिससे द्रव्य कर्म उत्पन्न हो। मन वचन ने काया है ही नहीं आत्मा में, भाव द्रव्य कर्म ने भाव कर्म पुण्य पाप का भाव दया दान विकल्प आदि जो भाव कर्म उसका अभाव होने से ये आत्मा में है वो कारण उसको निर्दंड कहने में। समझे में आया? ये आत्मा शब्द पर है ना बच में भाव कोम का भाव आत्मा निर्दंड है। यू बोलो अप्पा है ना अप्पा, इसलिए भगवान आत्मा जिमें मन वचन ने काया का दंड है नहीं, निर्दंड है, द्रव्य कर्म नहीं भाव विकल्प नहीं, ऐसा आत्मा निर्दंड है। नीचे से परम पदार्थ के अतिरिक्त भगवान आत्मा परम पदार्थ आनंद घन ध्रुव ऐसा पदार्थ के अतिरिक्त भिन्न समस्त पदार्थ समूह का आत्मा में अभाव होने से आत्मा निर्द्वंद द्वंद नहीं द्वेत नहीं। समझ में आया? देखो आ नौ तत्व में आत्मा कैसा है उसको बात करते हैं, अजीव तत्व की बात है। जिसमें निश्चय परम पदार्थ भगवान आत्मा ऐसी अतिरिक्त एनाथी जुदा समस्त पदार्थ समूह भगवान आत्मा में है नहीं, तो निर्द्वंद द्वंद नहीं, द्वंद नहीं निर्द्वंद है, अद्वैत आत्मा है, एकिला शुद्ध आनंद कण आत्मा है। उसको आत्मा कहते हैं ना, उसकी दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन। अगला वो उपाधि हम देखिए, ये सही आत्मा वास्तव में उपाधि चल रख। चलो आशा आत्मा आदरणीय है। समझ में आया? प्रशस्त और प्रशस्त समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से देखो यहां प्रशस्त पन ले लिया मोह राग द्वेष को, प्रशस्त राग द्वेष ऐसा ना प्रशस्त राग द्वेष मोह समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से उसमें तो राग द्वेष विकल्प कोई है ही नहीं। जिस भाव से तीर्थंगोत्र बंदे वो भाव भी आत्मा में है ही नहीं। ऐसा आत्मा खरेखर निर्मम है, वो ही उपाधि है, ये अंतर में आदरणीय वो आत्मा है। समझ में आया? कथा मुके ढाल सागर ने राम वांस कथा आत्मा नहीं से आत्मराम नहीं कथा है। समझ में आया है? सत्यनारायण की कथा है यार। हाँ सत्यनारायण आत्मा ऐसा है, लोगों मानते ऐसा नहीं, भगवान आत्मा कहते हैं कि ऐसा आत्मा ही निर्मम तो है और वो ही अंतर में दृष्टि उसको ऊपर करके वो ही आदरणीय दृष्टि त्याग करने लायक है। निमित ऊपर राग ऊपर के पर्याय ऊपर दृष्टि करने लायक नहीं, एम कहते हैं।
नीचे से उदारी विक्रिय हरक तिरस्कार मन नामक पांच शरीर समूह का अभाव होना, तो आत्मा निशरीर है, आत्मा ने शरीर है ही नहीं। गुमन सार के आत्मा ने तरण हो शरीर, चार हो शरीर, पांच शरीर हो ना पड़ते, वो तो निमित क्रांत था साथ में, वो बताते यहाँ तो आत्मा में है शरीर फरी कार्बन सारी सारा 148 प्रकृति का पिंड आत्मा में है नहीं। समझ में आया, आत्मा निशरीर है, निशरीर शरीर बिना का भगवान आत्मा, यही रात पड़ गए शरीर की भिन्न आत्मा गांडो कैसे के गांडा, अरे भगवान तुम कैसे ऐसा कहते हैं, दूसरे कहते उसकी कॉपी करके जानना मैं ऐसा कहा सके आत्मा शरीर जुदा कहते गांडा कहते हैं गांडो ये पागल गांडा समझते हैं आत्मा के शरीर जुदा पागल कहते हैं। अरे भगवान ये शब्द ही पंत ने सुनने में ठीक न पड़े गजब बात है, ज्ञानानंद शरीर है राग दयादान वर्त का विकल्प से भी भिन्न चैतन्य मूर्ति है, तो पहले कह गया विभाव है नहीं उसमें चालू चेतन में स्वतंत्र योग का जगत करे सब या शरीर रहित निशरीरी एवो अत्यारे आत्मा जो एवो आत्मा ऐसा आत्मा उपाधि है, बाकी व्यवहार रत्नत्र निमित्त ने पर्याय भी उपाधि है नहीं एम कहते हैं नियम सार हरे सुखी बात गंभीर वर्ण बहुत अलौकिक वर्ण उसका पेट खोल दिया है आत्मा का, आत्मा किस को आत्मा किस को चले चले आत्मा राग करे आत्मा राग वाला आत्मा के ना ये तो निशरीरी भगवान आत्मा ऐसा आत्मा ये उपाधि है। इस दृष्टि में ज्ञान में ज्ञेय बनाकर उसका आदरण करने लायक टिकाल ऐसा ही है, टिकाल ऐसा है मान रखा है कि मैं शरीर वाला राग वाला तो मानता है उसकी मानता से कहीं फिर जाए भ्रमणा ऐसी मानता भ्रमणा भ्रमणा से बहुत भ्रमण करते हैं आया नीचे से परमात्मा को नहीं परमात्मा पहले नीचे से परम पदार्थ के पहले आत्मा निर्दंड है पर नीचे से परम पदार्थ के एम लिया था समझे नीचे से उदारी का दी आत्मा में नहीं है एम लिया आई खरेखर परमात्मा को परमात्मा नाम परम स्वरूप ध्रुव भगवान आत्मा बीज वो परमात्मा को परद्रव्य का अवलंबन न होने से उसको परद्रव्य का अवलंबन है नहीं स्वद्रव को परद्रव का अवलंबन है ही नहीं अरे भगवान की मूर्ति नो अवलंबन थे भगवान की वाणी नो अवलंबन थे ना स्वद्रव में अवलंबन है आया वो पर्याय नैमित्तिक नो निमित्त सामे वो तो पर्याय के साथ संबंध है व्यवहार आत्मा में तो है ही नहीं किस प्रकार में नायक भाव के साथ तो पर के साथ निमित्त निमित्त संबंध भी नहीं झगड़ा निमित्त में समझ नीचे से है व्यवहार से नहीं और ये नहीं मारा भाई भाई नीचे थे तो थे इतनी बात है कर्म ना उदय आवे तो इनका था वो नीचे निमित्त हाथो थे नीचे थे इनके पर ये व्यवहार से बे थी व्यवहार मारा सांबल में अधिगंबर ना पंडित के लिखे कापा माता कापा माया ग्रस्त है निश्चय से परमात्मा अपना आत्मा समझ में आया
ऐसे आत्मा को परद्रव्य का अवलंबन न होने से ओहो आ द्रव्य को पर्याय का अवलंबन नहीं अपनी अरे परद्रव्य तो क्या समझ में आया। ऐसे भगवान आत्मा परम धर्म शुद्ध ध्रुव चैतन्य परमेश्वर को अपना स्वरूप परमात्मा लिया है ना, परमात्मा ने परद्रव्य का अवलंबन नहीं होना चाहिए, ये निरालंब है, निरालंब है, झगड़ा है दोनों दानों के समय से नहीं भगवान ने मूर्ति भगवान आलमन नहीं आके भाई शुभभाव हो तो आलमन हो वरियु कोई के ई हो तो शुभभाव प्रगटे आके भाई शुभभाव हो तो निमित्त आलमन कहवाय आवा वांदा रे भगवान क्या खूब वांदा नाम कैसे ना तुम्हारे ने आई हमने मूर्ति बे अपने अत्यारे आधार है नहीं आनंद के बाद आनंद जी हाँ भगवान ने बेनो आधार से आगे मने मूर्ति आगे मेरे शास्त्र मूर्ति नो बेनो अत्यारे नाम कैसे आई कह के ये हो तो लग जाता है तो शुभ भाव उसमें उत्पन्न होता है तो शुभ भाव का भी आत्मा में आलमन नहीं तो फर्क खरेखर शुभ भाव भी परद्रव्य है आया। भगवान निज परमात्मा उसको परद्रव्य का आलमन न होने से उसको व्यवहार का आलमन नहीं, ये व्यवहार है तो आत्मा रहा ऐसा है दयादान भक्त अथवा आत्मा है ऐसी मान्यता की अभिकल्प से तो उससे आत्मा है ना, वो तो निरालंबी भगवान विराजमान है समस्ती में। जैसे आत्मा निरालंब ऐसे भगवान नीचे समोष्ण में कमल में नहीं विराजते, भगवान समोष्ण में कमल में नहीं विराजते, कमल तो दूर रह जाता है अधर विराजते अधर समोष्ण में तीर्थंड भगवान का शरीर आत्मा तो भिन्न अंदर और शरीर कमल को नहीं छूते हैं, कमल नीचे होता है। जैसा निरालंबन आत्मा ऐसा भगवान निरालंब क्यों खड़ा है एम समोसम ऋतु कुमार पंडित जी आवे थे कि नहीं चिंता एवो निरालंबन आत्मद्रव्य एवो निरालंबन बिना देह समोसम सूच मारे थे अब समोसम हाँ निरालंबना है हाँ चंद्र सूर्य से कोई थांबला थे भगवान क्या विराजते हैं क्या नीचे कोई टेका नहीं है और कमल है सिंहासन है उससे दूर भगवान विराजते हैं, आत्मा भगवान को निरालंबी है कहते हैं यहाँ समझ में आया। जिसको रात का आलमन नहीं निमित्त का आलमन नहीं ऐसा आत्मा को निरालंब कहते हैं निरा को